पालमपुर को नगर निगम बनाने की बात मीडिया में आते ही सोलन नगर निगम संघर्ष समिति सुर्ख हो गई है। संघर्ष समिति का मानना है कि शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन वासियों से सबसे पहले सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा भूल चुके हैं। यही वजह है कि उनके मंत्री पालमपुर को नगर निगम बनाने की बात कह रहे हैं। यही वजह रही है कि सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने एक आपात बैठक बुलाई है और अपने संघर्ष को और तेज कैसे करें इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पालमपुर को नगर निगम बनाने की बात मीडिया में आते ही सोलन नगर निगम संघर्ष समिति सुर्ख हो गई है। संघर्ष समिति का मानना है कि शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन वासियों से सबसे पहले सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा भूल चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें मंत्री पालमपुर को कि उनके मंत्री पालमपुर को नगर निगम बनाने की बात कह रहे हैं। यही वजह रही कि सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने आज एक आपात बैठक बुलाई और अपने संघर्ष को और तेज कैसे करें इसको लेकर विस्तृत चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएगी। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने धर्मशाला के बाद सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा सोलन की जनता से किया था, लेकिन पालमपुर को नगर निगम बनाने की बात आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके चलते उन्होंने अपना संघर्ष और मजबूती से चलाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी धर्मशाला को नगर निगम बनाकर सोलन के साथ बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए वे जिला सोलन के भाजपा मंत्री और स्थानीय नेता से मिलेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सोलन को न्याय नहीं मिलता है तो वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और अपना संघर्ष कड़ा करेंगे। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें करीब 20 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में हमने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज की बैठक बुलाने का मुख्य विषय ये था कि अखबारों में एक स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से एक खबर छपी है कि पालमपुर की जो कॉरपोरेशन बनाने का जो प्रस्ताव है वो सरकार ने मंजूर कर दिया गया है। तो इसी संदर्भ में एक यहाँ भ्रम फैल रहा है कि पालमपुर को बनाया जा रहा है और सोलन के साथ फिर वही अन्याय किया जा रहा है जो धर्मशाला बनाने के क्रम में किया था। इस करके आज हमने मिलजुल कर निर्णय लिया है कि करीब अगले एक हफ्ते तक हम यहाँ अभी कल ही जब ये बात हुई थी तो यहाँ के जो स्थानीय सैजल साहब हैं डॉक्टर साहब उनसे बात हुई, वो 18 तारीख के बाद उन्होंने मिलने के समय देने की बात की है, उनसे बात करेंगे और जो स्थानीय प्रमुख नेता है आज की बीजेपी के उन लोगों से भी बात करेंगे। ये 7 से 10 दिन तक हम इस बात को चलाएंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।